क्या होगा सर, एक्सप्रेस करके क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, लोगों को जो बोलना है वो बोलेंगे। भारतीय टीम के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में केएल राहुल सुपरस्टार बनकर सामने आए। पहली पारी में जब विराट कोहली, रोहित शर्मा फेल हुए, तब निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बैटिंग करके केएल राहुल ने शानदार सेंचुरी जड़ी और भारतीय टीम को संकट से बाहर निकाला। केएल राहुल ने शानदार 101 रनों की पारी खेली और अपने करियर का 8वां शतक जड़ा। चोट के बाद केएल राहुल के टेस्ट मैचों में वापसी हुई है, इस दौरान उन्होंने काफी कुछ फेस किया। दूसरे दिन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि किस तरह की सोशल मीडिया की ट्रोलिंग उन पर असर डालती है, उस पर राहुल ने कहा, ये चीजें कुछ हद तक इफेक्ट करती हैं, लेकिन एक वक्त तक सोचने के बाद आप इनसे आगे बढ़ जाते हैं। राहुल की पारी कितनी लाजवाब थी, ये दिग्गज सुनील गावस्कर के एक बयान से पता चलता है। सुनील गावस्कर ने केएल राहुल की इस पारी को भारतीय क्रिकेट के इतिहास की टॉप 10 पारियों में एक बताया है। इस पर जब राहुल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं काफी हम्बल हूँ ये सब सुनकर। आज और कल में मुझे मालूम पड़ा है कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बैटिंग करना कितना मुश्किल होता है, साथ यहाँ पर बैटिंग करना वैसे भी काफी मुश्किल था। राहुल ने कहा, इस तरह के पिच पर दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी करना आसान होता है, इसी का असर हमें बैटिंग में भी देखने को मिला है। राहुल के टेस्ट करियर का ये 8वां शतक था। करियर में 7 शतक राहुल ने विदेशी सरजमी पर ही बनाए और भारत के लिए वो टेस्ट में सेना देशों में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाजों में से एक बन गए। राहुल की इस पारी को बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने भी खास बताया था। विक्रम राठौड़ ने कहा था कि केएल राहुल भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं।